इस्लामाबाद के सेक्टर F84 में नाजमुद्दीन रोड के ऊपर जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन वाकई है। पाकिस्तान भर में बहुत सी मसाजिद हैं, लेकिन हम सब की ख्वाहिश थी कोई एक ऐसी मस्जिद हो जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की झलकियाँ नजर आती हों। ये मस्जिद कायम हुई और अब तक यहाँ पर 22 शोबे कम अज़ कम कर रहे हैं। अगर कोई शख्स भूख का शिकार है तो इस मस्जिद के सामने आ जाए, यहाँ पर मस्जिद दस्तरखान लगता है। रोज़ाना जहर की अजान के बाद ये दस्तरखान लग जाता है, जमात के बाद खाना होता है। रोज़ाना 200 से ज़्यादा अफराद खाना खाते हैं। जुमे के दिन यह तादाद 400 तक चली जाती है। अगर कोई शख्स बीमार है और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहता है तो यहाँ पे मस्जिद क्लिनिक है। अगर उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं तो मस्जिद फार्मेसी से दवाई हासिल कर लें। अगर वो मुस्तहिक है, फ्री मेडिसिन भी उसको मिलेंगी। अगर वो थका हुआ है तो यहाँ पे मस्जिद आरामगाह मौजूद है। अगर वो अपने बच्चों की शादी के हवाले से परेशान है, बाइज्जत तरीके से उनको रुख्सत करना चाहता है या उनका निकाह करना चाहता है, वो परेशान ना हो, मस्जिद रहमतुल आलमीन में मस्जिद मैरिज हॉल कायम है। यहाँ पे उसको शादी के तमाम लवाजमात मुहैया कर दिए जाते हैं। अगर वो साहिब हैसियत है तो खाना खुद पकवा ले। अगर वो खाना भी नहीं पकवा सकता निकाह के लिए या रुख्सती के लिए, तो मस्जिद रहमतुल आलमीन के नमाजी काफला रहमत है, वो खाना उसको पकवा देंगे। मस्जिद रहमतुल आलमीन का मस्जिद मैरिज हॉल मोहब्बत ही मोहब्बत है। जो दुल्हा और दुल्हन यहाँ से रुख्सत होते हैं उनको मस्जिद रहमतुल आलमीन की तरफ से तोहफा मिलता है। कभी सूटों की शक्ल में होता है, कभी कैश की शक्ल में होता है, कभी और चीज़ों की शक्ल में होता है। यतीम बेटियों के लिए यहाँ से पूरा पैकेज होता है। बेवा माँ की बेटियों के लिए इसी तरह पूरा पैकेज होता है। ये तोहफे इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से होते हैं। इस्लामाबाद के शहरी जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन के साथ मिलकर एक शानदार तारीख रकम कर रहे हैं। हमारे समाजी रवैये इस्लाम की तालीमात के या तो मुताबिक नहीं हैं या इसके बिल्कुल बरक्स और मुतजाद हैं। उनमें से एक चीज़ जहेज़ है। ये वो नासूर है जिसकी वजह से हज़ारों बेटियों की शादियां नहीं हो सकती, वो बूढ़ी हो जाती हैं, लाखों घर उजड़ते हैं। इस जहेज़ के खात्मे के लिए मस्जिद रहमतुल आलमीन ने इन समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। यहाँ पर एक नौजवानों ने हल्फ दिया, इस्लामाबाद के लोग जमा हुए, अल्लाह ताला की तौफीक से पूरे मुल्क में ये आवाज़ फैली। एक शानदार शोभा जो इस मस्जिद में कायम है वो है मस्जिद बैतुल माल। मस्जिद बैतुल माल के ज़रिए हम वो तमाम मुस्तहिक मुसलमान भाई जो बीमार हैं, माजूर हैं, कोई यतीम है, कोई बेवा है, किसी की तालीमी ज़रूरत है, किसी के इलाज की ज़रूरत है, जो कैश रकम है उन पर खर्च कर दी जाती है। ये शानदार निज़ाम, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जो आने वालों की पूरी छानबीन की जाती है, बाकायदा दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं और अल्लाह ताला की तौफीक से हर महीने 300 से 400 घरों या अफराद की मदद खामोशी के साथ हो रही है। अगर कोई शख्स उसके पास कपड़े नहीं हैं, अपने बच्चों के ये कपड़ों के हवाले से परेशान हैं या उसके अपने कपड़े फटे हुए हैं तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मस्जिद फ्री गारमेंट स्टोर कायम है। अगर उसके पास जूते नहीं हैं और वो पुराने जूतों में गुजारा कर रहा है, उसके बच्चों के पास स्कूल के शूज़ नहीं हैं, वो परेशान ना हो, वो हमारा मुस्तहिक भाई है, मस्जिद रहमतुल आलमीन में आए, यहाँ पर मस्जिद फ्री शूज़ स्टोर कायम है, यहाँ से आके जूते हासिल कर लें। अगर उसके बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है तो उसकी तालीम को ना रोके, वो यहाँ पे आए, मस्जिद यूनिफॉर्म बैंक है, यहाँ पे लोग अपने बच्चों के लिए जो उनके इस्तेमाल शुदा लिबास है वो जमा करवाते हैं या यूनिफॉर्म या नए जमा करवा देते हैं, हम वही अच्छी हालत में उनके बच्चों को दे देते हैं। जो यहाँ पर आने वाला शोबे देखता है तो वो सोचता है कि यह सारा कुछ कैसे हो रहा है। इस सारे काम के लिए अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से इस मस्जिद रहमतुल आलमीन से कोई चंदा जमा नहीं करता, कोई मांगता नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के कुछ ख़ास लोग हैं जो ख़ुद इसमें शरीक हो जाते हैं। मुल्क से बाहर वो लोग कभी इसमें अकाउंट में पैसे भेजकर, कभी यहाँ पर आके जमा करवा कर। हमने एक निज़ाम बना दिया, अल्लाह ताला वो निज़ाम चला देते हैं, लोग इसमें शामिल होते जाते हैं और जो लोग इस मस्जिद के साथ शामिल हो रहे हैं वो काफ़िला रहमत हैं, वो गुमनाम हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके काम को दवाम अता किए जा रहा है।